दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, 19 दिसंबर को होने वाला IPL 2020 का ऑक्शन, जिसका हम सभी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी जाएगा, कौन सा खिलाड़ी सोल्ड होगा, कौन सा खिलाड़ी अनसोल्ड होगा, किस टीम का स्क्वाड किस तरह का नजर आएगा। काफी सारी चीजें हमें जाननी है, जिसके लिए हम ऑक्शन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑक्शन को लेकर 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। 5 बड़ी अपडेट जो है, 5 बड़ी खबरें आपको देंगे IPL 2020 के ऑक्शन से रिलेटेड। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं, ऑक्शन का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों, जो सबसे पहली खबर है वो है यहां पर शॉर्टलिस्ट प्लेयर को लेकर, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 332 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो कि हमें IPL 2020 के ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। जिनमें से दोस्तों 24 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने शुरू में अपना नाम ऑक्शन में नहीं दिया था, लेकिन अब वो जो है हमें IPL 2020 के ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, क्योंकि किसी ना किसी फ्रेंचाइज ने उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया है। जिनमें दोस्तों मुशफिकुर रहीम, एडम जाम्पा, कैसरिक विलियम्स जैसे खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट हमें पहले ही मिल चुकी थी। बात करें दूसरी अपडेट की, तो दूसरी अपडेट है यहाँ पर टाइमिंग को लेकर। दोस्तों, टाइमिंग भी जो है IPL 2020 के ऑक्शन की कंफर्म हो चुकी है, जहां पर आपको बता दें कि दोपहर के 3:30 बजे से IPL 2020 का ऑक्शन जो है वो होने वाला है शुरू, जो कि दोस्तों रात के 9:30 बजे तक चलता हुआ हमें नजर आएगा। तो टाइमिंग भी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। लग रहा था कि मॉर्निंग से स्टार्ट हो सकता है ऑक्शन, क्योंकि सिर्फ एक दिन का होने वाला है, लेकिन यहां पर दोस्तों दोपहर के 3:30 बजे से हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों तीसरी खबर की, तो यहां पर बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने अपना नाम जो है ऑक्शन में नहीं दिया। तो कई सारे बड़े खिलाड़ियों ने IPL 2020 से अपने आप को जो है वो बाहर रखा है, ऑक्शन में अपना नाम जो है वो नहीं दिया है। जहां पर नामों की अगर बात करें, तो यहां पर दोस्तों मिचेल स्टार्क का नाम शामिल है, जॉय रूट का नाम शामिल है, युवराज सिंह पहले ही कंफर्म हो चुके थे कि वो ऑक्शन में नहीं आएंगे। इनके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सैम बिलिंग्स ने भी अपना नाम नहीं दिया है, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम ने किया था रिलीज। जेसन बैरनडॉर्फ इंजर्ड है, उन्होंने भी अपना नाम जो है यहां पर ऑक्शन में नहीं दिया है। जय रिचर्डसन, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, उन्होंने भी दोस्तों यहां पर अपना नाम IPL 2020 के ऑक्शन में नहीं दिया है। तो ये कई सारे बड़े नाम जो है वो सामने निकल कर आए हैं, जिन्होंने IPL 2020 के ऑक्शन में जो है अपना नाम नहीं दिया, यानी कि ये सारे खिलाड़ी जो है हमें IPL 2020 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। दोस्तों, आपको कौन से खिलाड़ी के ना खेलने से सबसे ज्यादा जो है वो फर्क पड़ेगा, आप किसे देखना चाहते थे, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। अब बात करें दोस्तों चौथी खबर की, जहां पर हम बात करेंगे IPL 2020 के ऑक्शन के सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्लेयर के बारे में, यानी कौन से खिलाड़ी की उम्र सबसे ज्यादा है जो कि हमें ऑक्शन में नजर आएगा, और कौन से खिलाड़ी की उम्र जो है वो है सबसे कम। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा उम्र के जो खिलाड़ी होने वाले हैं वो होने वाले हैं परवीन तांबे, जिनकी उम्र 48 साल है, और वो यहां पर IPL 2020 के ऑक्शन में हमें नजर आने वाले हैं। देखते हैं कोई टीम जो है इनके ऊपर बिडिंग करती है या फिर नहीं। और यंगेस्ट प्लेयर जो है वो होंगे दोस्तों अफगानिस्तान से, जो कि है 14 साल के नूर अली अहमद। तो दोस्तों यंगेस्ट है, 14 साल के सिर्फ खिलाड़ी हैं, और IPL 2020 के ऑक्शन में हमें नजर आने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों आखिरी यानी कि पांचवी खबर की, जहां पर हम बात करेंगे एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स की, यानी कि उन देश के खिलाड़ियों की जहां पर क्रिकेट जो है उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वहां के भी खिलाड़ी जो है हमें IPL 2020 के ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों 3 एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी जो है ऑक्शन में नजर आएंगे, जहां पर सबसे पहले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अली खान। जी हां दोस्तों, अली खान जो कि एक बॉलर है वो हमें ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। दूसरे हैं दोस्तों जाहूर खान, जो कि UAE से हैं, ये भी हमें ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। और तीसरे हैं दोस्तों स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंसी, ये भी जो है हमें IPL 2020 के ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये हैं 3 एसोसिएट नेशंस के प्लेयर जो कि ऑक्शन में नजर आएंगे। तो 5 बड़ी खबरों की हमने बात करी IPL 2020 के ऑक्शन से रिलेटेड। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।